शाही पनीर, पालक पनीर की सब्जी तो आपने हजारों बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट पनीर की सब्जी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये सब्जी वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप एक बार खाएंगे तो आप बाकी सारी पनीर की सब्जियाँ भूल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। स्वागत है आप सभी का फौजन की रसोई में। फौजन की रसोई में आज बहुत ही स्पेशल सब्जी बताई जा रही है, जो कि अक्सर लोग घर पर नहीं बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। इसे बनाने के लिए हम एक मुट्ठी बादाम लेते हैं छील करके भिगोकर। अगर बादाम ना हो तो हम काजू ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम धनिया डालते हैं और 7 से 8 जो है मैंने हरी मिर्च डाली है, क्योंकि ये तीखी नहीं है, ठीक है। फिर इसे अच्छे से ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम दूध डालते हैं, और थोड़ा मेरे पास में चीज़ का टुकड़ा था तो मैंने वो डाला है। अगर आपके पास में चीज़ नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर हम इस पेस्ट को जो है मिक्सी से ग्राइंड करके ले लेते हैं। फिर 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने बड़े बड़े पीसीज में काटा है और इसके ऊपर नमक लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि इसके अंदर नमक का जो है थोड़ा टेस्ट चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा तेल गर्म होता है, तब तक जो है हम इन पनीर के टुकड़ों को इस ग्रेवी में जो है डिप करके रखते हैं, ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर चला जाए, पनीर एकदम हमें फीका फीका ना लगे। फिर उसके बाद में तेल जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए, और पूरी आँच करते हुए इसमें हम जो इन पनीर के पीसीस को डालेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ये पनीर जो होगा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और नीचे पैंदे में चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए हमें गैस की फ्लेम को जो है तेज रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हमारे पनीर फ्राई होते जाएँ हम इसे उलटते रहेंगे, और उलट पुलट करके हम दोनों तरफ से पनीर को अच्छे से सेक लेंगे। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। पनीर के सिक जाने के बाद में हम इसे एक अलग से प्याली में निकाल देंगे, ठीक है। और इसमें मैंने तेल पहले से ही ज़्यादा रखा था, तो मेरा तेल जो है वो बच जाएगा। अगर आपका तेल नहीं बचता है तो आप थोड़ा तेल और डाल दें, ठीक है। फिर हम सब्जी बनाने के लिए छोका तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है क्या क्या मसाले लेने, वो आप देख ले। खड़े मसाले ले रही हूँ मैं, जैसे दालचीनी और तेज पत्ता लिया है, 4 से 5 मैंने काली मिर्च ली है, उसे क्रश करके डाला, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ये जो ग्रेवी थी ना अपनी धनिया बादाम की, इस ग्रेवी को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इसे पकने देते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जो है हमें ग्रेवी कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसे फिर से पकने देते हैं। पानी डालने के बाद हम देखते हैं, जब हमारा बॉईल आ जाता है तब हम सारे पीसीस को इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से हमारे पनीर की सब्जी बन करके तैयार है। इसे हम अफ़गानी पनीर भी कहते हैं, या फिर सफ़ेद करी वाली पनीर की सब्जी भी हम इसे बोलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।